नमस्कार, आप आपका शुभ नाम? मैं राम कुमार चौधरी, आगरा मंडल से प्रचार मंत्री हूँ। अच्छा, आगरा मंडल? बिल्कुल। तो आप गजेंद्र जी के? गजेंद्र सिंह जी की टीम का हिस्सा हूँ। अच्छा। ये कमांडो ओपी सिंह जो कि अलीगढ़ जिले से रहने वाले हैं, इनका मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है, बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। और ये पहले आज से नहीं 2 साल से जिला पंचायत की तैयारी में लगे हुए थे बीजेपी से। अच्छा। और बीजेपी से सब कुछ तय हो चुका, टिकट वगैरह सब तय हो चुका। 26 जनवरी को के बाद जो 27 तारीख को जो सब हुआ यहाँ स्टेज पर, जो राकेश टिकैत जी के आंसू निकले, वो आंसू नहीं, वो संजीवनी थे। जो कि एक आंदोलन खत्म होने वाला था उसको नई जिंदगी मिली। वो एक सिर्फ राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, वो पूरे किसान कौम के आंसू थे। तब मेरी और कमांडो ओपी सिंह जी की वार्ता हुई। मैं कमांड, इन्होंने कहा कि राम कुमार मेरा घुटन हो रहा है बीजेपी में। मैं बोला सर घुटन हो रहा है, देर मत कीजिए, तुरंत इस्तीफा दीजिए। इन्होंने तुरंत रात में ही अपने गांव में मुनादी कराई कि सुबह पंचायत जोड़ी गई, जिसमें इन्होंने यहाँ के लिए चलने के लिए अपील की जनता से, तन मन धन से राकेश टिकैत जी का साथ देना है मुझे। मुझे चाहे आगे चुनाव में हार हो या जीत हो, मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने सुना है कि किस तरह उन्होंने रिजाइन करके और बीजेपी का टिकट उन्हें वापस लौटा दिया। और मिलते हैं, डॉक्टर साहब है हमारे साथ। नमस्कार, आपका शुभ नाम? डॉक्टर पुष्कर सिंह। आप कहाँ से आए हो? मैं खैर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, खैर विधानसभा क्षेत्र से। तो आप भी बीजेपी का समर्थक हैं? कट्टर हमारे घर में से जिला अध्यक्ष रहे 2 बार। अच्छा, जिला अध्यक्ष बीजेपी के? तो फिर यहाँ पर बॉर्डर पर हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमने समुदाय का अच्छे दिन आने वाले हैं। हम शरीफ किसान बहकाए मांगे, हमने पूरे क्षेत्र के विधायक असेंबली जो हमारी लोकदल की होती थी वो बीजेपी को सौंपी 2 बार से। लेकिन हमने देखा हम बहुत धोखे में हैं, हमारी जमीन भी नहीं बचेगी, हम बेरोजगार हो गए, कोई किसी ढंग के ही नहीं रहे। ऐसा देख करके हमने उसको छोड़ना अच्छा उचित समझा कि जो काले कानून बनाए जा रहे हैं कृषि के विरोध में, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, लेकिन आप जब बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी वाले लोग जो थे, जो है सॉरी जो है, वो तो कह रहे थे कि यहाँ जो किसान बैठे हैं वो सारे खालिस्तानी लोग हैं। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल झूठ है। हम नेता बाद में है, पार्टी बाद में है तो किसान, पहले तो हम किसान से पैदा हुए ना, जमीन हमारी माँ है, इससे हमारी पीढ़ी पीढ़ी चली आ रही है और इसी पर कानून बना रहे हैं, तो फिर हमारे काय को रहे वो लोग? हमको तो उन्होंने बहकाया ना, हम इसका समर्थन कुछ हो किसान आंदोलन में शामिल हो होने पर हम लोग कुछ हो? जी बहुत अच्छी तरह से। आप दोबारा बीजेपी का द्वार? नेवर नेवर, नहीं नहीं कभी नहीं। आप पूरा हृदय परिवर्तन, माइंड सब चेंज हो गया? बिल्कुल बिल्कुल जी, पक्का। आपने कितने बीजेपी अंधभक्त? बिल्कुल कभी भी नहीं। क्यों क्यों क्यों? नेवर सपोर्ट, बिकॉज इनकी जो सारी पॉलिसीज अभी आप खुश हो यहाँ पर? आप सुना है किस तरह से उन्होंने बीजेपी का द्वार बंद कर दिया है और समर्थक उनका पूरा जो कट्टर कट्टर बीजेपी है आज किसान आंदोलन में यहाँ पर मौजूद है। किसान आंदोलन राकेश टिकैत के साथ खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं सारे बीजेपी के